और बाड़मेर की साइड जाता है। स्पीड देखिए पानी की आप। राम राम दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज आपका दोस्त मैं आज आपको लेकर आया हूँ इंदिरा गांधी डैम, जो बीकानेर से कम 90-95 किलोमीटर दूर स्थित है। आज आपको दिखाऊंगा कि इस बांध के ऊपर एक बड़े गेट बने हुए हैं जो पानी को रोकने के लिए बने हुए हैं, और इस यहाँ से कम इतना स्पीड से पानी निकलता है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ से आई है और किधर को जा रहे हैं। पूरा पानी देख सकते हैं आप किस तरह पानी चल रहा है, और ये नहर पंजाब से चलकर इस बाड़मेर की ओर जा रही है, और जहाँ रास्ते में आप यहाँ एक डैम बना हुआ है। डैम मानो मतलब पानी को रोकने का स्थान। पानी यहाँ पर रुकता है और यहाँ से तीन जगहों में अलग अलग जगह पानी जाता है, और ज़्यादा पानी होने पर यहाँ इकट्ठा किया जाता है और पानी को फिर गर्मियों के टाइम में छोड़ा जाता है। जब पानी की कमी होती है तब आपको दिखाएंगे कि इसकी कितनी स्पीड से पानी निकल रहा है। दोस्तों देखिए पानी किस तरह बह रहा है, पानी की स्पीड देखिए आप। इतनी स्पीड आपने पहले नहीं देखी होगी कहीं पे भी, इतनी स्पीड है। और इस डैम के चारों इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि पानी की वजह से आप देख सकते हैं कितने हरियाली है। इस पानी की वजह से आपको भी फुल मोटी डैम दिखाएंगे जो पानी को एकत्रित करती है, रोकती है उसके, तो बने रहिए देखेंगे। ये देख सकते हैं पानी की रफ्तार, देखिए आप कितना तेज पानी बह रहा है। और ये पानी इस साइड जा रहा है ताऊसर की, और कितना स्पीड से जा रहा है आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे आप 2 मिनट खड़े रह जाते हैं तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, इतना स्पीड से पानी आ रहा है। और जैसे ही आपको दिखाएंगे इस साइड पानी को रोकने के लिए जो गेट लगे हुए हैं, इस गेट से देखिए आप कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। पानी की स्पीड देखिए आप कितना तेज आ रहा है। यह है इंदिरा गांधी डैम जो बीकानेर से 95 किलोमीटर दूर स्थित है, और इस तरह से पानी आता है उस पंजाब की ओर से और बाड़मेर की ओर छोड़ा जाता है। इस पानी को आपको दिखाएंगे, और भी दो बड़े गेट हैं उनका भी आपको दर्शन कराएंगे, और कितना तेज़ पानी जा रहा है वो भी आप देखना। ये देखिए आप कम से कम 90 फुट नीचे नहर है, 30 फुट ऊंडी नहर है, 90 फुट तो चौड़ी है दोस्तों। इस हिसाब से पानी आता है और इस हिसाब से ये पानी चल रहा है। वो काफ़ी कचरा है वैसे तो, और फिर पानी देखिए आप इस तरह बह रहा, बड़ी नहर है ये। ये पानी पंजाब से आता है और कम 3 बड़े बड़े गेट हैं। तीन है गेट वैसे तो, और यह है सबसे मेन नहर जो पंजाब से होकर इधर बाड़मेर की ओर जा रही है, और ये गेट रोकने के लिए।